ये करारदाद लाई है, ये बड़ी नहायत अहमियत की हामिल है। अब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा। आप यकीन करें कि 1,73,000 आबादी है हमारे डिस्ट्रिक्ट की, उसमें अंग्रेज़ के ज़माने की एक तहसील है। जब अंग्रेज़ का यहाँ पे अंग्रेज़ की हुकूमत थी 47 से पहले, तो एक तहसील पहले मेरे गांव में थी, फिर मेरे किस्म के आप समझे, मेरे वाल दादा के कज़न थे, मेरे नाना समझे मिस्री खान नाम था, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ उसने बहसियत मुसलमान एक बगावत की, उस तहसील को जला दिया था जो मेरे गांव में थी हाजीकोट में, और वो फिर उस ज़माने में अफगानिस्तान चले गए थे। फिर इन्होंने कुछ 2-2.5 किलोमीटर दूर फिर अंग्रेज़ों ने वहाँ पे तहसील बनाई, आज तक वही एक ही तहसील है। बाद में आज से कई साल पहले रखनी में एक नैब तहसीलदार को बिठाया है, सो कॉल, वो भी फुल फ्लेज समझे सब तहसील नहीं है लेकिन उसको, तो मेरी गुजारिश ये है कि आज बल्कि कल थी रेवेन्यू मिनिस्टर की एक कमेटी, सरप्राइज में एक कमेटी बनी है, उसकी मीटिंग थी, हमारे वहाँ से डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर से रिकमेंड होके हमारे एरिए की भी जो ज़रूरत के मुताबिक, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या पटवार हैं या ये जो कनिगो सर्कल सिलसिला है, लोगों का ज़मींदारी पे गुजारा है तो उनको ज़रूरत पड़ती है, तो 1,73,000 आदमियों की एक तहसील। तो मेरी गुजारिश है कि मैं इस करारदाद की हिमायत करता हूँ, और इसके थोड़ा सा ये करके शायद सलीम साहब बताएंगे, आज ही शायद इनकी मीटिंग थी, कि उसकी क्या सूरत हाल बनी, जहाँ जहाँ ज़रूरत है, इसमें कोई इतना ज़बरदस्त अमले की ज़रूरत नहीं है। आप सेक्रेटेरिएट में जाएं तो सैकड़ों के हिसाब से नैब तहसीलदार और तहसीलदार सेक्रेटेरिएट में फिर रहे होते हैं, तो ना इस पर इतने एक्सपेंडिचर रहे कि हम कहें कि जी सूबाई हुकूमत पे बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। लोगों को थोड़ी सी डोर स्टेप पे एक सहूलत मुयसर आ जाएगी। तो मैं इस करारदाद की हिमायत करता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रेवेन्यू मिनिस्टर से कि वो भी अपने, आज मीटिंग थी, बाकी हर जगह से वो हमारी अगर और भी कहीं ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत है, तो सब तहसील या तहसील बनाने में कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू वेरी मच।